नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन लॉ न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर्वो ऑर्चर्ड स्प्रे ऑयल की ओर से बागवानों के लिए सेमिनार आयोजित। घाटी के दर्जनों बागवानों ने लिया भाग। विशेषज्ञ सेवानिवृत्त डॉक्टर जयंत कुमार ने की कार्यशाला की अध्यक्षता। मनाली में सर्वो ऑर्चिड स्प्रे ऑयल की ओर से घाटी के बागवानों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आयोजित सेमिनार की विशेषज्ञ सेवानिवृत्त डॉक्टर जयंत कुमार ने अध्यक्षता की। डॉक्टर जयंत ने कहा कि बागवान वैज्ञानिक तरीके से बागवानी कर कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मधुबाला की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन। वो कहते हैं नहीं जी सर्दियों में नहीं, सर्दियों में छुप जाते हैं, जो ही गर्मी आ जाती है तो तब अंडे देते हैं। मुझे किसी ने नहीं क्लियर किया, मैंने बहुत उनसे पूछा भाई ये क्या बात है, कहीं कहते हैं गर्मी में अंडे देते हैं, कहीं कहते हैं सर्दियों में अंडे देते हैं, कुछ जुगाड़ चले जाते हैं, फिर क्या पता। मेरे को नहीं पता सबसे ऐसी कार्यशाला हर साल जो है जहाँ भी सेबों की बागवानी होती है वहाँ पे आयोजित करते रहते हैं। और ये किसान जो हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं उनको हम अपना जो प्रोडक्ट है ऑर्चर्ड स्प्रे ऑयल उसकी विशिष्टियों के बारे में उनको आगाह करते हैं और उनमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी जो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे कि टोटली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और इसका किसी भी किस्म का फसल को नुकसान नहीं होता है। एक बागवानों के भ्रम रहता ना, जैसे मैं भी अगवा किया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से प्रमाणित है, वो खाली हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल ही है। दूसरा जो लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है TSO उनको कभी भी अपनी फसल के ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक घातक रूप में उनके पौधों के लिए साबित हो सकता है। क्या अभी उपलब्ध आता है बाजार है, मगर ना ही हमारी कंपनी उसको ऑर्चर्ड के लिए रिकमेंड करती है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसकी रिकमेंडेशन देता है। ये जो आज का सर्वो की तरफ से कार्यक्रम किया गया है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जिससे हमारे किसान बागवानों को बहुत फायदा होने वाला है। तो ये जो सर्वो ऑयल है इसको कब और कैसे यूज करना चाहिए? ये सर्वो ऑयल ऑल वेदर विंटर एंड डोरमेंट में। किस बारे में थी और किस तरह से आज की कार्यशाला? सर्वो तेल के बारे में थी और इसमें किसानों को बताया गया कि सर्वो ऑयल कैसे प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता ही है सर्वो ऑयल के काफ़ी फ़ायदे हैं, एक तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे कोई नुकसान नहीं होता और इससे जो है जो हमारे नुकसान करने वाले कीट हैं जैसे सेंजो स्केल है, रेड स्पाइडर माइट है और कई जो नरम चमड़ी वाले कीड़े हैं उनको मारा जा सकता है। और ये जो तेल है ये हमारे जो मित्र कीट होते हैं या मनुष्य होते हैं इनको कोई नुकसान नहीं करता, इससे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये बायोलॉजिकल या आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक तेल होता है, इससे जो भी कीड़ा मरता है वो